हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्सिंग। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1, मोशन। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी जो एनटीएससी और आईटीजेई फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में आईटीजेई देने वाले हैं और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज इन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो हम मोशन चैप्टर कर रहे हैं, इसको हम आईटीजेई अगर पियर्सन के बात करें, पियर्सन की जो बुक है उसके रेफरेंस से बात करें, तो उसमें बताया गया है, सिर्फ काइनेमेटिक्स दिया गया है, काइनेमेटिक्स नाम दिया गया है। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। In the present chapter, the focus is on the study of equation which describe the motion of a body and discuss the properties of freely falling bodies, vertically projected bodies, and bodies undergoing projectile motion. At first, let us first review some important terms and concepts. So, दोस्तों, ये जो अभी chapter है, present chapter है, इसमें हम equations के बारे में describe, यानी 3-4 equations लाएंगी, जो कि किसी object के motion को describe करेंगी। वो आसान है, मतलब एक बार आपको समझ में आ जाए तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसे इक्वेशंस और ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का, वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडीज का, यानी जब कितने समय पे नीचे गिरेगा, जब हम एरोप्लेन चलते हुए एरोप्लेन से नीचे गिराएंगे उस ऑब्जेक्ट को, ऐसा कुछ कर करके। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, मतलब जो भी हमारी सीरीज चलने वाली है उसको देखते रहें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरे स्लाइड तक चलें। हाँ, काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ फोर्सेस एंड एनर्जी इन्वॉल्व्ड। यानी काइनेमेटिक्स एक फिजिक्स की या मैकेनिक्स की ब्रांच है जो कि स्टडी करती है किसके बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी मोशन जो होता है ना किसी चीज़ का, यानी किसी पार्टिकल ऑब्जेक्ट या कुछ और जिसका मोशन होता है, हम उसकी पढ़ाई जो करते हैं, यानी स्टडी ऑफ मोशन, तो उसी को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। लेकिन हाँ, काइनेमेटिक्स में एक दिक्कत है कि इसमें हम फोर्सेस और एनर्जीज को इन्वॉल्व नहीं करते। यानी अगर हम काइनेमेटिक्स को पढ़ते हैं तो हम उसमें ना फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं ना एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जो उसके अंदर जो फॉर्मूले हैं ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वगैरह वगैरह, तो इन सब का यूज़ करेंगे। आगे आने वाले आपकी कन्फ्यूजन भी ख़त्म होगी, मेरे को पता है आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे चलेंगे आपको पता चल जाया करेगा। ठीक है, चलिए आगे। Particle is said to be at rest if its position relative to the surroundings does not change with respect to the time. A particle is said to be in motion of its position relative to the surroundings changes with respect to time. देखिए, particle जो है वो rest में कब रह सकता है, इसकी definition मैं आपको बताता हूँ। कि यानी अगर particle है, एक particle, sorry, हाँ, ये जो एक पार्टिकल है उसके जो, अगर ये रेस्ट में है तो हम इसको कैसे पता करेंगे। अगर ये जो रेस्ट में है तो इसके जो आसपास का सराउंडिंग है, यानी अगर इसके आसपास लिखा हुआ है कहीं इंडिया, और हम एक मिनट बाद देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एन पे ही अटका हुआ है, यानी एन पे ही, जहाँ एक मिनट पहले जो एन पे लटका हुआ था अभी भी एन पे ही लटका हुआ है। इसका मतलब ये जो है रेस्ट में था। क्या था? ये रेस्ट में था। और अगर हम बात करें कि ये जो है इसने मोशन किया है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर ये एक मिनट पहले मैंने इसको छोड़ा एन पे और मैं एक मिनट बाद आया और मैंने देखा कि ये जो पार्टिकल था वो अब ए पर पहुंच गया है, क्या हो रहा है ये, अब ये जो है पार्टिकल ए पे पहुंच गया है, तो इसका मतलब इसने क्या करा है, मोशन करा है। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है, ठीक है, तो इसे ही हम मोशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में आपको समझा दिया है, इसको आप देखे समझे और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप वैसे तो। हाँ, चलते हैं आगे। अब देखते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। दोस्तों, ये जो है इट्स ऑल अबाउट यूनिट एंड डायरेक्शन। ये तो ये जो बच्चों को है ना घबराता बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको आराम से करने की कोशिश करेंगे। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स होता क्या है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स होता क्या है, आपने देखा होगा, आपने जो स्मॉल एंड जूनियर क्लासेस में है हमने देखा है कि जो स्पीड है और डिस्टेंस है उसमें हमें
डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्शन नॉट नीडेड, ठीक है, डायरेक्शन नहीं पड़ती जरूरत। लेकिन अब हम जब पढ़ने वाले हैं क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, तो उनमें जो है हमें ये जो मैग्नीट्यूड और वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन की बात करूँ तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं। स्केलर्स वो लोग, स्केलर्स वो यूनिट्स होते हैं जिनमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, यानी सिर्फ नंबर्स की। यानी जैसे हमारे पास था स्पीड, स्पीड, अब इसमें आपसे बोल दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है बंदा, तो इसका मतलब ये है कि वो 50 किलोमीटर पर आवर यानी एक घंटे में 50 किलोमीटर कवर करता है। ये मैग्नीट्यूड की बात हुई। अब अगर मैं पूछूं कि वो जो बंदा है 50 किलोमीटर की स्पीड से किस साइड जा रहा है, यानी किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो आपको नहीं पता होगा। इसका मतलब वो क्या है? स्पीड है। और अगर मैं ये कहूँ कि वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, किधर? ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, तो मैं क्या कहूँगा? ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी जुड़ चुका है। ठीक है, तो स्केलर्स और वेक्टर्स समझ में आ गया मेरे को लगता है। और अगर स्केलर्स और वेक्टर्स की बात करें तो स्केलर्स में आते हैं डिस्टेंस, स्पीड, और जिन जिन में भी मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे स्केलर्स होते हैं। और जो वेक्टर्स की बात करें तो वो हमारे पास रहते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो टर्म्स हैं मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अभी इनको बस याद रखिए कि जो है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो आपके सामने है, यानी आपने देखा होगा कि अगर हमें ये हमारा घर है, मान लेते हैं हमारा घर मान लेते हैं ए, और ये हमारा स्कूल है, तो घर से स्कूल तक जाने के लिए हमें बहुत से पाथ मिल सकते हैं, यानी हम बहुत जगहों से जा सकते हैं। ओके, बहुत जगहों से जा सकते हैं, ऐसे बहुत से रास्ते हैं जहाँ से हम स्कूल मतलब घर से स्कूल जा सकते हैं, बट हम जाते किसी छोटे रास्ते से, यानी जल्दी टाइम हमारा हो जाए, हम कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएँ। तो देखिए, ये जो आपके सामने दिया गया है ये पाथ जो है, ये तो है, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, और इधर से भी जा सकते हैं। अब मुझे बताइए कि जो सबसे छोटा पाथ है वो कौन सा हो सकता है ए और बी के बीच में। या एक और बार रिपीट करता हूँ, जो सबसे छोटा पाथ है ए और बी के बीच में, वो कौन सा पाथ हो सकता है? तो डेफिनेटली ये ए और बी की जो लाइन है, इनके जो बीच में लाइन गई है, यानी लाइन नंबर 3, यही लाइन जो है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी ए और बी के जो बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो लाइन नंबर 3 है। ठीक है, तो ये जो लाइन नंबर 3 है, इसे हम क्या बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में? इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, और जो डिस्टेंस रहता है वो या तो आप ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, यानी डिस्टेंस वेरिएबल रहता है, चेंज होता रहता है, हम जैसे चाहें डिस्टेंस को रख सकते हैं। ओके, डिस्टेंस इनफाइनाइट भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। अब मुझे बताइए कि डिस्प्लेसमेंट से छोटा डिस्टेंस हो सकता है क्या? यानी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है क्या? कमेंट में लिख के बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब जो डिस्टेंस है, एक बार लिख के बता देता हूँ आपको, जो डिस्टेंस है, एक मिनट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या करेगा? या तो छोटा रहेगा या तो इक्वल रहेगा। किसके? डिस्टेंस के। इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो है ये साइन याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है या तो डिस्टेंस से छोटा रहेगा या तो उसके बराबर रहेगा। ओके, अब मुझे एक बार जरा फील लेके बताइए कि ये जो डिस्टेंस है, क्या मैं इसको यहाँ से कवर नहीं कर सकता? ये भी एक डिस्टेंस ही हुआ। ए और बी के जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि हम ये देखिए, हमारे साथ क्या है, 3 रास्ते हैं, ये ए सी डी बी वाला है, और ये ए ओ बी वाला है, और ये ए बी वाला है।
सबसे छोटा पाथ कौन सा है? ए बी वाला। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए और बी के बीच में है, ठीक है। ए और बी वाली जो लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट है, इस बात को आप याद रखिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब आते हैं स्पीड। तो एक मिनट जरा पीछे देखते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें जो है डायरेक्शन की नीड होती है, यानी डायरेक्शन की, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी चलेगा और डायरेक्शन भी चलेगा। और एक बात याद रखना कि जो डिस्टेंस है वो तो है स्केलर, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं स्पीड के बारे में, स्पीड क्या चीज़ है। स्पीड आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डी अपॉन टी, है ना, डी अपॉन टी। इसका मतलब डी क्या है हमारे पास? ये जो डी है ये मैंने आपको बताया है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्पीड है वो भी स्केलर क्वांटिटी ही होगी, स्केलर क्वांटिटी भी होगी। तो बस आपको इस स्लाइड में बस ये याद रखना है कि ये जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। किसकी चीज़, इसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर मैं बोलूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है तो ये क्या है? स्पीड है। और अगर मैं ये बोलूँ कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन है वो नॉर्थ साइड जा रही है तो ये क्या हो गई? ये हो गई वेलोसिटी। आगे चलते हैं। ये आपके सामने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आते हुए, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, मज़ा आएगा। जो भी है कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। हाँ, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डी अपॉन टी। अब ये जो डी अपॉन टी है ये डिस्टेंस नहीं है, एक बात ध्यान रखिए, जो डिस्टेंस नहीं है ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है। और मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ आपको बता दूँ एक्स्ट्रा, जो कि 9th क्लास या 10th क्लास में नहीं है, तो वो है कि अगर जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर ऐसा कुछ साइन लग जाता है, एक एरो साइन लग जाता है। लेकिन अभी हम फिलहाल इसको नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए था ये सब। तो मैंने क्या बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है, यानी ये जो वेलोसिटी है वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम, यानी जैसा जैसा डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड भाई भाई रहते हैं, बट उनमें किसी चीज़ का एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। बस आगे चलते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो बड़ा ही आसान कंसेप्ट है ये वेलोसिटी और स्पीड का। वेलोसिटी आपको पता ही है, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर मैं कहूँ कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन है वो नॉर्थ की साइड जा रही है तो ये क्या हुआ? ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। और उसी तरफ अगर मैं कहूँ कि ये जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन है वो चल रही है तो ये क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी हुई, ठीक है। आप इस फिगर से देख सकते हैं क्या है और इसको समझ भी सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों धन्यवाद आपका, और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मैं निवेदन करता हूँ कि आप पार्ट 2 भी देखें जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।